Hi everyone, my name is Anjali and I am your biology faculty at Be Personified Education Services. आज जो मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स। ये प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर का फर्स्ट जो हाफ है वो पढ़ाऊंगी और सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर का सेकेंड हाफ करेंगे। सो लेट अस सी कि हम फर्स्ट हाफ में कितने टॉपिक्स करते हैं। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन द सेकेंड वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज बेसिकली, हम लोग इसमें ये सीखने वाले हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। बिकॉज वी नो कि प्लांट्स की हाइट जो होती है वो हमारे कंपैरिजन में या किसी एनिमल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबे होते हैं पेड़, लेकिन उनमें हमारी तरह कोई ब्लड या फिर फ्लूइड नहीं होता है सर्कुलेशन के लिए, या यू कहें उनके पास कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं होता है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है सर्कुलेशन के लिए। तो इतने बड़े बड़े हाइट में किसी चीज का ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो रूट पर पानी डालने से जो रूट है, रूट्स जो हैं उनकी, स्पेशली जो रूट हेयर्स का जोन है, रूट हेयर्स का जो जोन है वहां से वाटर अब्सॉर्ब होता है और वहां से वाटर अब्सॉर्ब होकर ट्रांसफर कर एक एंड वाली लीफ तक जाना वाटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में उसकी जरूरत होती है। द थिंग इज कि आप किसी पेड़ के पत्ते पे जाके अगर पानी का जग डाल देंगे तो दैट विल नॉट लेट द वाटर टेक अप बाय द प्लांट। तो प्लांट जो है वो वाटर टेकअप नहीं कर पाएगा, बट जो प्लांट है वो रूट के थ्रू ही जो है वाटर ले सकता है, रूट से जो है अब्सॉर्प्शन होगा प्लांट का। दिस इज हाउ प्लांट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब वाटर। तो कैसे एक प्लांट जो है वो रूट के थ्रू लीफ तक उसका पानी जाएगा, ये चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। प्लांट्स डू नॉट हैव इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स का कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं होता है, ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि ब्लड। ब्लड हमारे पास होता है फॉर सर्कुलेशन, लेकिन प्लांट्स के पास ब्लड नहीं होता है। बट दे नीड टू मूव वेरियस सब्सटेंसेस सच एज वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बताया जैसे कि मैंने आपको, एक प्लांट की जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, उसको वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब चीजें मूव करवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम लोग प्लांट में पढ़ते हैं दो टाइप का ट्रांसपोर्ट। एक होता है आपके पास यूनिडायरेक्शन और एक होता है आपके पास मल्टी डायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में आप जो चीज देखते हो वो देखते हो वन डायरेक्शन, जैसे कि आप लोग हाईवे पे जा रहे हो। ठीक है, हाईवे पे क्या होता है, हाईवे पर आपको एक ही डायरेक्शन में सारी गाड़ियां देखने को मिलती हैं, उस रोड को वन वे रोड कहते हैं, है ना, जहां पर एक ही तरीके का ट्रैफिक मूव कर रहा होता है, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, प्लांट में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट वाटर का होता है। वाटर का यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लांट में विदाउट एनी एक्सेप्शन होता है। ठीक है, वाटर हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, रूट से लीफ की तरफ। ये नहीं है कि लीफ से रूट की तरफ आ रहा है या फिर पहले लीफ तक चला गया फिर नीचे आकर स्टेम की तरफ चला गया, ऐसे नहीं होगा। हमेशा एक ही साइड उसका जो है ट्रैवल होगा, उसका ट्रांसफर होगा। दूसरा टाइप ऑफ डायरेक्शन होता है मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बेसिक फूड का होता है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है। प्लांट के केस में मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो फूड का होता है। ठीक है, सच एज ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब वो अब एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए ऑब्लाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है, वो एक से ज्यादा डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। सच एज पहले वो रूट से चला गया सबसे हाइएस्ट वाली लीफ पर, फिर लीफ से नीचे आया और चला गया किसी ब्रांच पर, है ना, फिर ब्रांच से नीचे आया और चला गया ट्रंक पे। तो वो ऑब्लाइज्ड नहीं है एक ही तरीके का मूवमेंट करने के लिए, वो बेसिकली नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, साइड से दूसरी साइड ट्रैवल कर सकता है, दैट इज मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो एग्जांपल आएगी बच्चों वो आएगी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज आपका फूड हो गया, प्लस कुछ मिनरल्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ हॉर्मोन्स भी। ठीक है, तो बेसिकली हॉर्मोन्स वगैरह भी सारे के सारे जो है प्लांट में वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जो है दिखाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास
तीन तरह के ट्रांसफर होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में बेसिकली किसी चीज को ट्रैवल करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, तीन मीन्स होते हैं, सच एज फर्स्ट इज योर डिफ्यूजन, सेकेंड इज योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड इज योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो तीन तरीके के आपके पास क्या हो गए, मेथड्स हो गए। हम इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों चलते हैं डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में सबसे पहले चलने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हमारा YouTube पर जो है आपको पढ़ाने का एक मकसद है जो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है MNS जैसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन आपको YouTube पर नहीं करवाई जा सकती है, उसके लिए हमारे पास आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस प्रेजेंट हैं, डेडिकेटेड आपकी नीड, आपकी जो है MNS की नीड है उसके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास डेडिकेटेड बैचेस प्रेजेंट हैं। आप चाहें तो उन बैचेस में एनरोल करवा सकते हैं, वो हमारे पेड बैचेस रहेंगे। उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक अलग सब्जेक्ट के लिए सीनियर और एक्सपीरियंस्ड आपको फैकल्टीज मिलेंगी, साथ ही आपको डीपीपीज मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स आपको मिलेंगी, साथ में आपको प्रॉपर टेस्ट्स मिलेंगे और आपका सिलेबस वहां पर पार्ट बाय पार्ट डेप्थ में जाकर आपको कवर करवाया जाएगा, जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है MNS जैसे बड़े एग्जाम में एक रैंक लेके आने की, बिकॉज वी नो हाउ टू प्रोड्यूस रैंक, बिकॉज हमने लास्ट ईयर AIR 1 निकाला था, उसके साथ ही मल्टीपल नंबर of selections and multiple number of ranks we have created in the past, और जो teachers हमारे साथ वहाँ थे वही teachers आपको पढ़ाएंगे। So the thing is कि अगर आप लोग चाहते हैं हमारे अतिरिक्त batch में, अतिरिक्त batch हमारा dedicated batch है MNS की preparation के लिए, अगर उस batch में आपको enrollment करवाना है तो screen पर कुछ numbers scroll कर रहे होंगे, आप उस पर call करके अपना registration या enrollment या फिर enrollment related कोई भी information आप call करके ले सकते हैं, okay? तो हम लोग diffusion start करने वाले हैं। डिफ्यूजन में हम लोग सिंपल डिफ्यूजन से स्टार्ट करेंगे, है ना। एक होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, ये एक स्लो मूवमेंट है गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉल्यूट्स की, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन। क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ एक चीज, सपोज टू बी एक रूम है, रूम नंबर वन में 5 पीपल है, एक घर में शादी का माहौल है, ठीक है, शादी हो रही है और बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया है, चाची मामी दादी ताया ताई सब आए हुए हैं, ठीक है, थीके? तो 5 पीपल यहाँ सो रहे हैं, 5 लेडीज कह सकते हैं यहाँ पर सो रही हैं, और साथ वाले रूम में, रूम टू में यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है, 3 पीपल हैं। अब बेसिकली होगा क्या, ये जो 5 लोग हैं ये बोलेंगे कि हमें रूम में इतना दिक्कत हो रहा है सोने में, टाइट टाइट हो रहा है, बगल वाले रूम में तो 2 जगह खाली पड़ी है, सो लेट्स मूव टू दिस प्लेस। तो बच्चा इसको कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी चीज का भागना विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरीके का ATP खर्च नहीं होगा, ठीक है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। इसको होने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना इसकी एक मैंडेटरी कंडीशन है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का फर्क रहना। सपोज टू बी यहाँ पे 5 पीपल थे, यहाँ पे 3 पीपल थे, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना होगा, 2, यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आएगा, ठीक है। सो क्या होना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है, और क्या नहीं होगा, ATP का खर्च नहीं होगा। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को स्टूडेंट्स आप लोग कहते हो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को आप लोग क्या कहते हो, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। जो आपका डिफ्यूजन है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट डिस्टेंस में ज्यादा चलता है ना, बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर नहीं कर पाता है डिफ्यूजन, छोटे छोटे डिस्टेंसेज बहुत कर लेता है, बिकॉज ये एक स्लो मूवमेंट है, कर तो वो बड़ा वाला डिस्टेंस भी लेगा कवर, लेकिन इसमें इसको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम जितने टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको जल्दी चीजें डन करनी होती हैं लिविंग प्लांट्स में, लेकिन ये बहुत स्लो होता है, ठीक है। बेसिकली ये या तो एक सेल के अंदर होगा, जैसे सपोज टू भी ये एक सेल है, इस पार्ट से इस पार्ट में कोई चीज लेके जानी है तो डिफ्यूजन के थ्रू आराम से चली जाएगी। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इंट्रा सेल्यूलर, इसे कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर मूवमेंट, या फिर एक सेल है, इस सेल से इस सेल में जाने के लिए भी डिफ्यूजन यूज किया जा सकता है, इसे कहते हैं इंटर सेल्यूलर।
इंटरसेल्युलर, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है वो डिफ्यूजन से पॉसिबल हो जाती हैं। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम का मतलब जरूरी नहीं है कि लिविंग सिस्टम के अंदर ही डिफ्यूजन हो, एक डेड सिस्टम के अंदर भी डिफ्यूजन हो सकती है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि लिविंग सिस्टम ही हो। इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसेस मूवमेंट इन अ प्लांट बॉडी। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, प्लांट की बॉडी में गैसेस का मूवमेंट कराने के लिए जो एक ही एक जरिया है, विच इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द ओनली मीन्स गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए इन अ प्लांट बॉडी। आगे बच्चों बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे डिफ्यूजन रेट्स को। फर्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने आपको बोला होना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात सुनो, ये रूम ए है, यहाँ पर 5 पीपल हैं जैसे ऊपर थे। ये बी रूम है, यहाँ पर 2 पीपल हैं, ठीक है। और अगेन ये सिस्टम वन है हमारा, ये हमारा क्या है, सिस्टम वन। अब हम लोग सिस्टम टू की बात करते हैं। सिस्टम टू में क्या है, ये हमारा रूम ए है लेकिन अब की बार इसमें 6 लोग हैं, ये हमारा रूम बी है इसमें अब की बार सिर्फ 1 इंसान है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से सिस्टम वन में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना बैठेगा बच्चों, लेट्स एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्स यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट, 3 होगा, लेकिन यहां पर एक्स कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पर होगा 5। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसमें है स्टूडेंट, सिस्टम टू में। तो सिस्टम टू में डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिस्टम वन। क्या मतलब समझे इससे, जितना ज्यादा फर्क कॉन्सेंट्रेशन का उतना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और उतना ही ज्यादा क्या, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन, जैसे डिफ्यूजन टू ज्यादा है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन वन। समझ गए, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से कैसे हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तुम्हारा डिफ्यूजन, ठीक है। आगे बात करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। अब देखो, एक होता है लिपिड, लिपिड की बनी होती है तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में से वो चीजें जल्दी क्रॉस कर जाती हैं, वो चीजें जल्दी डिफ्यूज कर जाती हैं जो लिपिड में, जिनको लिपिड अलाउड करता है उसे कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन किसी चीज को अंदर अलाउड कर रही है, विच मीन्स दैट इज परमिएबल टू दैट सब्सटेंस, और अगर नहीं कर रही है तो दैट मीन्स दैट इज नॉट परमिएबल टू दैट सब्सटेंस। याद करो बच्चों, जब हम लोग एग्जाम में कंडक्शन पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना रेस्टिंग स्टेट पर जो है वो सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है ना, और पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है। तो ये परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन सी चीजें वहां से निकलने वाली हैं और कौन सी नहीं। बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की। टेम्परेचर बच्चों जितना ज्यादा बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा रैंडम मोशन शो करेंगे, और जितना ज्यादा रैंडम मोशन होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। तो याद रखेंगे टेम्परेचर के साथ तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा डिफ्यूजन, ठीक है। टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा डिफ्यूजन। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली, लेकिन प्रेशर के साथ इनवर्सली। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस करेगा, गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस करेगा तो ज्यादा डेंस होगा, और डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो भारी हो जाता है, और भारी चीज तेज नहीं दौड़ती है, हल्की चीज तेज दौड़ती है। इसका मतलब प्रेशर के साथ कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन याद रखने से आपके टॉपिक की क्लैरिटी बढ़ती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ज्यादा तेज मॉलिक्यूल भागकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगा। मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी जिसको अलाउड है वो जल्दी क्रॉस करेगा, जिसे नहीं अलाउड है वो नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे रैंडम मोशन बढ़ता है, जिससे डिफ्यूजन बढ़ता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। बट प्रेशर बढ़ाने से कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती है, उससे डेंसिटी बढ़ती है, उससे डिफ्यूजन कम होता है। सो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। अब अगेन साइज की बात कर ले तो वही पॉइंट आ जाएगा, आपको पता है साइज जिसका ज्यादा वो कम डिफ्यूज करेगा, तो साइज भी बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के, ठीक है। एक 60 किलो का इंसान और एक 40 किलो के इंसान में 40 किलो का इंसान जल्दी भागने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। आपको पता है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो पॉइंट है ना लास्ट वाला, ये डेडिकेटेड है सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है स्टूडेंट्स लिपिड्स की,
कोई भी ऐसी चीज जो लिपिड में जल्दी सॉल्युबल है वो वहां से इजिली क्रॉस कर जाएगी, लेकिन कोई ऐसी चीज जो वाटर लविंग है, जो वाटर सॉल्युबल है, जिसे आप हाइड्रोफिलिक बोलते हो, तो ये जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है ना, ये लिपिड के मेम्ब्रेन में से जल्दी से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन क्या होता है, स्लो हो जाता है। सो बेसिकली लिपिड में परमिएबिलिटी मतलब सेल मेम्ब्रेन में से जल्दी निकलना, और लिपिड में परमिएबिलिटी ना होना मतलब सेल मेम्ब्रेन में से जल्दी कोई चीज नहीं निकलना। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब हेल्प, कि आपको लगेगी अब हेल्प। तो डिफ्यूजन क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया कि सिंपल जो है एक चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रही है विदाउट यूजिंग एनर्जी। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, वो चीज जाएगी तो अभी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लेकिन अब की बार उसको चाहिए हेल्प, वो ऐसे डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकती है। इसका एग्जाम्पल ऊपर पढ़कर आए हैं जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस मतलब जो वाटर को पसंद करते हैं लेकिन वो नॉन सॉल्युबल होते हैं लिपिड्स में, दे आर नॉन सॉल्युबल इन लिपिड्स। तो बच्चा अगर तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड से बनी हुई है, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ उसमें से कोई ऐसी चीज निकालना जो वाटर को पसंद करती है ना, मैं चाहती हूँ उसमें से कोई ऐसी चीज निकालना जो वाटर को पसंद करती है, तो बताओ कैसे पॉसिबल होगा। पॉसिबल ऐसे होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं, प्रोटीन चैनल्स यूज करेंगे जो कि एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बिना यूज करे, यानी कि एटीपी यूज नहीं करेगी और इजीली निकालेगी उसमें से किसको, उसमें से सब्सटेंसेस को, इजीली निकालेगी उसमें से किसको, सब्सटेंसेस को बिना एटीपी यूज किए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम लोग प्रोटीन चैनल्स यूज करते हैं, है ना। प्रोटीन चैनल्स क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल्स इम्बेडेड होते हैं तुम्हारे मेम्ब्रेन के अंदर, ये रही तुम्हारी मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन में तुम्हारे रहे कुछ प्रोटीन चैनल्स, ये रहे तुम्हारे प्रोटीन चैनल्स। ये करेंगे क्या, ये सब्सटेंस को पकड़ेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे, रोटेट करेंगे और दूसरी तरफ छोड़ देंगे, ठीक है। तो रोटेशन होगा प्रोटीन में, प्रोटीन चैनल्स का, ये उन सब्सटेंसेस को अपने में पकड़ेंगे जो उस मेम्ब्रेन में से यूजुअली क्रॉस नहीं कर सकती है, जो उस मेम्ब्रेन में से यूजुअली क्रॉस नहीं कर सकती है, ये उसको क्या करेंगे, उसको पकड़ने वाले हैं, है ना। उसके बाद बच्चों अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन के साथ इसका क्या सिमिलैरिटी है, और सिंपल डिफ्यूजन के साथ इसका जो सिमिलैरिटी नहीं बनती है वो चीज भी देखेंगे, यानी कि डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटी के बेसिस पर। बेसिकली जो तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन होता है, हाँ जी स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो डिफ्यूजन के साथ है कैसे वो सिमिलैरिटी दिखाता है। सिमिलैरिटी दिखाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है सिंपल डिफ्यूजन के टाइम पर, ठीक है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टाइम पर भी। दोनों डिफ्यूजन के टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि चीज हमेशा डाउन हिल की तरफ जाएगी, है ना, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट दिखाने वाली है चीज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। दूसरा है नो यूज ऑफ एटीपी व्हिच इज पैसिव, उसको पैसिव होना भी बहुत जरूरी है ना, वो एटीपी नहीं यूज करेगी यानी कि वो एक्टिव नहीं रहेगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन की सिमिलैरिटी की बात करें तो पैसिव होना और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का प्रेजेंट होना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बात करते हैं डिफरेंसेस की। तुम्हारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और जो तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन होता है, अगर उसके डिफरेंस की हम लोग बात करें, तो पहला होता है स्पेसिफिसिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या, कि कोई चीज किसी चीज को लेकर कितना स्पेसिफिक है, यानी कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक राम है और एक श्याम है, राम और श्याम दोनों भाई हैं, और होता क्या है, जो राम है उसकी मदर ने बनाई है बैंगन की सब्जी, तो बेसिकली राम इज गोइंग टू ईट दैट वेरी इजिली, वो बोलेगा मुझे कोई भी सब्जी चलेगी, आई विल ईट। तो राम क्या हुआ, राम नॉन स्पेसिफिक हुआ, लेकिन श्याम बोलता है कि मुझे तो इस टाइम पर ये खाना नहीं था, आई वॉन्टेड टू ईट अनदर सब्जी, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो बहुत स्पेसिफिक है चीजों को लेके। तो श्याम स्पेसिफिक है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि उनको ऑप्शन मिलनी, ये जो आपके प्रोटीन चैनल्स है ना, ये वाले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, इन्हें ऑप्शन मिलती है, ये अपनी मर्जी से जो मेम्ब्रेन में से चीजें निकालने की मर्जी इनकी होती है, तो ये स्पेसिफिक है। दूसरा बात करते हैं हम लोग इनहिबिटर्स को, सेंसिटिव। इनहिबिटर से सेंसिटिव होना भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही एक जो है पार्ट है। कैसे पार्ट है,
बेसिकली आपके जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ जाकर अटैच कर जाते हैं और जगह भर देते हैं, तो फिर तुम्हारे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना वो आकर अटैच नहीं हो सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये इनहिबिटर से भी सेंसिटिव है और साथ में ये सेचुरेशन शो करते हैं। सेचुरेशन का मतलब क्या हुआ? सेचुरेशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ चीजें जो है कुछ ही रूम खाली है, जैसे कि यहाँ पर एक बस है, ठीक है, बस में क्या हुआ, फाइव सीट्स आर देयर। एक बार अगर बस में 5 सीटें भर गई तो अब बस और सवारियों को नहीं बिठाएगी, यानी कि बस अब क्या हो चुकी है, बस बेसिकली सैचुरेट हो चुकी है। सो सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि बस एक बार ये सैचुरेट हो गई है और अब बस और चीजों को नहीं बिठाएगी, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये सैचुरेट हो जाते हैं बहुत जल्दी अगर एक बार ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टर्स भर गए, उसके बाद और ज्यादा मॉलिक्यूल्स ये नहीं लेके जाएंगे। और इनहिबिटर्स यही करते हैं, इनहिबिटर्स आकर इनकी सीट्स भर देते हैं, इनको ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं ना वो भर देते हैं, आके वैकेंसी छोड़ते ही नहीं है कि ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल्स है वो आकर इनके साथ। तो ये हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं तुम्हारे एक्वापोरिन्स के बारे में, एक्वापोरिन्स और पोरिन्स के बारे में। पोरिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पोरिंस आर दे आर सम प्रोटीन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन एंड अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड। देखो जो हम प्रोटीन चैनल्स ऊपर पढ़ के आए ना, वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो हमेशा खुले रहे या फिर वो कंट्रोल्ड हो सके, है ना। एक तो गेट हमेशा खुला है और एक गेट पे हमने लॉक लगा रखा है, हम जब चाहे लॉक खोल दें और जब चाहे लॉक लगा दें। तो ऐसे ही इन प्रोटीन चैनल्स का होता है, ये या तो हमेशा ऑलवेज ओपन रहेंगे या फिर कभी कभी कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल है तुम्हारे पास प्रोटीन चैनल्स का, दैट इज नोन एज योर पोरिंस। पोरिंस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल स्टूडेंट। पोरिंस क्या होता है? पोरिंस ह्यूज पोर्स होते हैं, बहुत बड़े साइज के प्रोटीन चैनल्स होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पोरिंस फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें ये पोरिंस प्रेजेंट होते हैं। ये पोरिंस इतने बड़े होते हैं साइज में कि इसमें से निकल जाता है छोटे साइज का प्रोटीन। प्रोटीन भी काफी बड़ा होता है ना साइज में, तो उसका छोटा साइज भी बड़ा माना जाता है। सो स्मॉल प्रोटीन साइज जो है इसमें से निकल जाता है पोरिंस में से, ठीक है। एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल बाइंड करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर, सेल आउटसाइड ऑफ द सेल, एक सेल आएगा जुड़ेगा इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, इस पोरिंस के साथ, और ये पोरिंस रोटेट करेंगे और इस साइड पहुंचा देंगे। एक हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल है वाटर चैनल का। वाटर चैनल वो प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट जो मेम्ब्रेन में लगे रहते हैं और इसमें से वाटर निकलता है। ये स्पेसिफिक है वाटर को लेके, ये सिर्फ वाटर की ट्रांसफर करवाते हैं अपने अंदर से। तो वाटर चैनल बने होते हैं 8 एक्वापोरिन से, 8 टाइप ऑफ एक्वापोरिन से बने होते हैं तुम्हारे वाटर चैनल। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वॉटर चैनल आर मेड अप ऑफ, ऑप्शन आएगी 6, 5, 4, 8, तो आप लोगों को 8 टिक करना है क्योंकि 8 एक्वापोरिन से मिलकर बनता है तुम्हारा वॉटर चैनल, ठीक है। और वॉटर चैनल होता क्या है? वॉटर चैनल आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन योर मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ वॉटर निकलता है, विच मीन्स इट इज स्पेसिफिक टू वॉटर ओनली। आगे बात करते हैं 3 टाइप की मूवमेंट, वाटर जो है या फिर कोई और सब्सटेंस आपके प्लांट में 3 टाइप की मूवमेंट शो करेगा, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिंपोर्ट। यूनिपोर्ट होता है एक मॉलिक्यूल जब अकेला क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को, उसके साथ कोई और मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है, वो अकेला क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को थ्रू अ ट्रांसपोर्ट और कैरियर प्रोटीन, तो उसको यूनिपोर्ट कहेंगे। नाम से पता लग रहा है यूनि, यूनि मतलब सिंगल, तो जो सिंगल है, पोर्ट मतलब ट्रांसफर, तो सिंगल ट्रांसफर हो रही है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहा है। आगे है एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल मूव करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, 2 मॉलिक्यूल मूव करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और सिंपोर्ट की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल मूव करेंगे लेकिन एक ही डायरेक्शन में। तो याद रखेंगे एंटीपोर्ट और सिंपोर्ट में करते 2 मॉलिक्यूल मूव है, डायरेक्शन का फर्क आ जाता है। एंटीपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल मूव करते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और सिंपोर्ट में 2 मॉलिक्यूल मूव करते हैं बट इन सिंगल
और सेम डायरेक्शन, और यूनिपोर्ट में तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल चलता है एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। तो ये आ गई हमारी तीन टाइप की मूवमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफर आ रहा है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमें याद रखना है एटीपी खर्चना। हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते वक्त। इससे पहले कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करें, लेट अस गिव यू एन अनाउंसमेंट। हमारे पास स्टूडेंट्स पेड बैचेस हैं अतिरथ नाम से, जहां पर आप जाकर अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक रूप दे सकते हैं, एक फेस दे सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पर आपको टेस्ट देने, आपको हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक विद कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से निखर कर सिलेक्ट होकर रैंक लेकर बाहर आ सकते हो। जब आप ये सारी छोटी 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 बैटल्स जीतते हो, सच एज योर टेस्ट पेपर, सच एज योर क्वेश्चन प्रैक्टिसेस, सच एज योर लेक्चर, सच एज योर डाउट सेशंस, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको हम लोग एक ही जगह पर एक ही पैकेज में आपको देने वाले हैं, विच इज नोन एज अतिरथ। अतिरथ में आप अपने आप को एनरोल करवाने के लिए स्क्रीन पर कुछ नंबर स्क्रोल हो रहे होंगे, वहां पर आप कॉल करके अपने आप को एनरोल करवाओ, या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप उनको कॉल करके रजिस्ट्री रिलेटेड चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है, अब ये जो मैंने ऊपर रूम बनाए थे ना, रूम ए एंड रूम बी, रूम ए में 5 पीपल वर देयर और रूम बी में 2 पीपल वर देयर, है ना। तो अब होगा क्या, अब होगा कि जो रूम ए होगा उसमें जो 5 लोग है ना, वो सबके सब ना इस टाइम में बातें कर रहे हैं, है ना, क्योंकि शादी वाला घर है तो वो सबके सब बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो 2 लोग है ना, वो सोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब उनको पता लगा ना कि रूम ए में तो 5 लोग बातें मार रहे हैं, तो वो सोचते हैं भाई हम लोग शादी वाले घर में आए, हमें भी बातें करनी है। तो ये लोग ना भाग भाग के जाएंगे और इधर जाके कहेंगे कि हमें भी रूम में ले लो। तो ये कहेंगे भाई रूम में तो जगह ही नहीं है, ये कौन सा रूल हुआ। रूल के अकॉर्डिंग तो जिस कमरे में ज्यादा लोग हैं वो थोड़े लोग वाले कमरे में जाके सोएंगे, ताकि सब टाइट टाइट ना सोएं। लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं हमें तो इस वाले रूम में आना है, क्योंकि हमें बात करनी है। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल मतलब एक ऐसी जगह पे जाना जहां ऑलरेडी ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है पिछली जगह से, और ये करने के लिए एटीपी तो भैया लगेगा, एटीपी तो लगेगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की स्टूडेंट सबसे बड़ी खासियत कि ये एनर्जी यूज करता है, दूसरी खासियत कि ये अपहिल ट्रांसपोर्ट दिखाता है, यानी कि अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रखेंगे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो तुम्हारा डिफ्यूजन था वो कैसे चलता था बताओ, बोलो भाई, चुप नहीं रहना है क्लास में। वो चलता था अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये कैसे चलता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। वर्ड्स की जो है डेफिनेशन समझने की कोशिश करो, परिभाषा समझो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का, और साथ में क्या होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या फिर जिसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब भैया अपहिल ट्रांसपोर्ट में जाना है तो प्रोटीन्स की जरूरत तो लगेगी, उन प्रोटीन्स को कहोगे कैरियर प्रोटीन्स या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या फिर पंप्स। पंप्स या फिर प्रोटीन्स यूज होते हैं, एनर्जी यूज करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन्स यूज हो रहे थे, लेकिन वहां पर एनर्जी यूज नहीं हो रही थी, और वहां पर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें चल रही थी। यहाँ क्या होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, और एनर्जी भी यूज की जाती है पंप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो 2 चीजें हैं, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये 2 एक अलग अलग शब्द है, और ये दोनों के दोनों जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमने ऊपर 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, कौन सी कौन सी। SSP यानी कि तुम्हारा क्या था, तुम्हारा जो सेचुरेट हो रहा था, इनहिबिट हो रहा था, ये चीजें हमने पढ़ी थी ना। तो बेसिकली ना वो 3 जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सेचुरेशन वाली, वो इसमें भी शो होती हैं। वो क्या होती है, इसमें भी शो होती हैं तुम्हारी, किसमें, तुम्हारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। कैसे, तुम्हारा जो है सेल या फिर तुम्हारा जो ये प्रोटीन्स है, ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। जैसे मैंने बताया था ना, राम और श्याम बैंगन की सब्जी बनी है, राम कहता है मैं तो खा लूंगा, श्याम कहता है मैं नहीं खाता भाई, मैं क्यों खाऊं। तो बेसिकली ये वो चीज है ना। तो ये क्या है, ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक है ना, इनको सेल
चूज करने का ऑप्शन मिलता है। ये चूज कर सकते हैं कि हमें बेसिकली स्पेसिफिक होना है, हमें स्पेसिफिक होना है सेल्स को लेके। हम हर तरह के सेल की ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, हम चूज करेंगे, इसे कहते हैं स्पेसिफिक होना। दूसरा, इनहिबिट से खतरा रहना, सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर्स को लेकर। इनहिबिट बच्चा एक तरीके का बहुरूपिया कह सकते हैं, ओरिजिनल सेल की जगह खुद घेर लेता है जाके। जैसे सपोज टू बी टू ब्रदर्स, अगेन राम एंड श्याम, राम ने दिल्ली ट्रैवल करना है, वॉल्वो में उसने अपनी एक टिकट बुक करा रखी है, लेकिन श्याम फटाफट जाकर उसकी सीट पर बैठ जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, अब राम को तो जगह ही नहीं मिल रही है, एक ही सीट थी, वो श्याम चला गया बैठ के। इसका ये मतलब हुआ कि श्याम यहाँ पर क्या है, श्याम यहाँ पर इनहिबिटर है। ओरिजिनली राम को ट्रांसफर करना था, राम को ट्रैवल करना था, लेकिन श्याम ने क्या किया, श्याम ने उसकी सीट छीन ली जाकर। तो ये इनहिबिशंस ऐसे ही शो होते हैं। इनहिबिशंस के टाइम पर क्या होता है, इनहिबिशन के टाइम पर ये इनहिबिटर्स जाकर साइड चेन से रिएक्ट कर जाते हैं और ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है सेंसिटिव, तीसरी प्रॉपर्टी है सेचुरेशन, नॉट सेंसिटिव, सेचुरेशन। सेचुरेशन में क्या होता है, अगर जैसे मैंने बताया ना, राम श्याम, श्याम ने जाकर उसकी सीट ले ली और अब और सीट्स नहीं है, तो इसको सेचुरेशन होना बोल रहे हैं। इस टाइम पर क्या हुआ, एक ही सीट थी और उस सीट पर आकर इनहिबिटर बैठ गया और अब और मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते हैं, या फिर तीन चार पैसेंजर्स थे जाने वाले लेकिन सीट एक ही थी, तो एक सीट ऑक्यूपाई हो जाने के बाद सेचुरेशन हो जाएगी, बाकी के तीन मॉलिक्यूल्स को वही रहना पड़ेगा, दे आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड नाउ। ठीक है, आगे बात हम करते हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। इसमें हम लोग जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो इस टेबल के थ्रू हम लोग कवर कर लेते हैं। सी, प्रॉपर्टी है रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और नॉट। सी, सिंपल डिफ्यूजन को कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो नो। और फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट और एक्टिव में है, ठीक है। और हाईली सिलेक्टिव, ये तो नहीं है सिलेक्टिव, ये तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाईली सिलेक्टिव मतलब स्पेसिफिक, वो बैंगन आलू वाली सब्जी थी जो, ठीक है। तो और ये दोनों है स्पेसिफिक। और ट्रांसपोर्ट सेचुरेट मतलब सेचुरेशन, है ना, सेचुरेशन। सेचुरेशन में ये तो नहीं दिखाएगा सेचुरेशन, पर ये दिखाएंगे दोनों। फिर अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट में तो सिर्फ एटीपी वाला बंदा दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये दिखाएगा। और रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी मतलब अगेन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस तो सिर्फ ये थर्ड वाला है, बाकी ये दो तो पैसिव है, तो ये भी नहीं दिखाएगा और ये भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमने करी टेबल कवर। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक खत्म हुआ, यहाँ से सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन। बच्चा, प्लांट फिजियोलॉजी इज लाइक योर स्टोरी। हम लोग एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, है ना। मुझे पता है प्लांट फिजियोलॉजी सॉर्ट ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चंस कम आते हैं तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहता है। नहीं स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू लव इट, यू हैव टू फॉलो इट लाइक अ स्टोरी। जैसे कि कोई स्टोरी चल रही है, बड़ी सुंदर सी लंबी सी स्टोरी चल रही है और तुम्हें रहना है पूरे स्टोरी के टाइम जमे रहना मेरे साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन में ना स्टूडेंट्स हम लोग ये पढ़ेंगे कि वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्लांट के साथ रिलेटेड, जिसकी वजह से वाटर ट्रांसफर कर सकता है प्लांट में, ठीक है। तो वाटर है क्या, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, है ना। ये बड़ी जोर से शोर मचा बाहर, किसी ने पटाखा जलाया, आई डोंट नो, कोई फेस्टिवल तो शायद आज नहीं है ना। ओके, सो लीव इट, पढ़ते हैं। वाटर क्या है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, सॉल्वेंट वो चीज होती है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करती है। ये तुम्हारा डिजोल्वर होता है बेसिकली, है ना, जो डिजोल्व करवाता है चीजें अपने अंदर। और फाइनल जो आइडेंटिटी होती है, फाइनल आइडेंटिटी हमेशा सॉल्वेंट की होती है जब मिक्सचर बन जाता है। फाइनल आइडेंटिटी ऑफ मिक्सचर इज ऑफ सॉल्वेंट, है ना, याद रखेंगे। मैंने तुम्हें सॉल्वेंट की फीचर्स बताए हैं। फाइनल आइडेंटिटी जो होती है वो सॉल्वेंट की होती है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है प्लांट में वो मेनली वाटर का बना होता है। सॉफ्ट प्लांट पार्ट्स मोस्टली कंटेन वाटर। जैसे वाटरमेलन में 92% ऑफ वाटर होता है, हर्बेशियस प्लांट्स में 10-15% ही ड्राई मैटर होता है, बाकी सारा का सारा 85% to 90% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। ड्राई सीड्स में भी वाटर होता है और वुडी पार्ट्स में भी वाटर होता है। देखने में लगता है कि बहुत ज्यादा सूखा है, बहुत ज्यादा ड्राई है, लेकिन वाटर। एक मैच्योर कॉर्न का प्लांट है वो 3 लीटर ऑफ वाटर डेली अब्सॉर्ब कर सकता है, और एक मस्टर्ड का प्लांट है वो तकरीबन तकरीबन अपना ही वेट, अपना जितना उसका वेट होता है उतना ही वाटर अबाउट 5 आवर्स में अब्सॉर्ब कर लेता है। यू सी, वाटर इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स बॉडी, फॉर आवर्स बॉडी। तो ये दिखा रहे हैं कि वाटर वेरियस वेरियस जो प्लांट्स हैं वो कैसे
लेते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट वाटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे इसको, इसको साई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साई। कोई भी बच्चा इसको त्रिशूल नहीं बोलेगा, दिस इज नॉट त्रिशूल, दिस इज साई। और अगर साई के पैर में डब्ल्यू लगा दे तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर पोटेंशियल ना अबिलिटी है मेजर करने की कितने वाटर मॉलिक्यूल उस सोल्यूशन में फ्री घूम रहे हैं, है ना। अगर एक सोल्यूशन है और उसके अंदर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल, उसके अंदर कोई सोल्यूट नहीं है, तो यानी कि वो वाटर कैसे, वो वाटर में सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है फ्री है घूमने के लिए, तो उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, है ना। बेसिकली क्या होता है, एक बीकर है, इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या 8-10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक प्योर वाटर है, ये एक प्योर वाटर है। इसके अंदर वाटर जो है बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ कोलाइड करेंगे, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल बच्चा जीरो होता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। जैसे जैसे मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करती रहूंगी ना, वैसे वैसे अभी ये वाटर पोटेंशियल कम होता रहेगा, नेगेटिव में चला जाएगा, -5, -6, -7, -8, ये नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, सॉल्यूट ऐड करने से। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का, वो जीरो होता है। वाटर पोटेंशियल हमें ये दिखाता है कि एक सॉल्यूशन में वाटर के कितने मॉलिक्यूल फ्रीली मूवेबल हैं। हम लोग वाटर पोटेंशियल को प्रेशर के यूनिट्स में मेजर करते हैं। प्रेशर के यूनिट्स बोले तो पास्कल्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, लिक्विड और गैसीज फॉर्म में रैंडम रैपिड एंड कॉन्स्टेंट मोशन दिखाते हैं। जितना ज्यादा रैंडम मोशन उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। वाटर रैंडम मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, ठीक है। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम इंक्रीजेस, सी प्योर वाटर में तो सबसे ज्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी ना। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगी? प्योर वाटर में। इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्योर वाटर की। इसीलिए वाटर पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा किसका होगा? तुम्हारा प्योर वाटर का, ठीक है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, जो कि क्या होगा, जो कि जीरो होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसी स्लाइड इसी टॉपिक में आगे बात कर रहे हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स आपके लिए अगेन द अनाउंसमेंट हैज कम। स्टूडेंट्स आप लोग एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है एमएनएस एक बहुत बहुत हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें बहुत कम सिलेक्शन होती है बच्चों की। अब उसमें अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर सोच रहे हैं हम कभी कभी लेक्चर लगा रहे हैं और आपका आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जरूरत है एक डेडिकेटेड बैच की, एक डेडिकेटेड तैयारी की, एक डेडिकेटेड सेट ऑफ टीचर, सेट ऑफ क्वेश्चन, सेट ऑफ टेस्ट पेपर, सेट ऑफ टीम की। और वो टीम हम आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे अतिरिक्त बैच में, जो कि हमारा एक पेड बैच है। उस बैच के बारे में जानने के लिए आप कैसे इनरोल करवाएं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है इनरोल करवाने के लिए, आप स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल कर रहे होंगे, वहां पर कॉल करके पता कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है आपके लिए एक्सक्लूसिव, कि हमारे पास वहां पर हाईली जो है एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स हैं, और वो क्या करते हैं, आपकी तैयारी करवाते हैं एक बहुत उम्दा तरीके से, क्योंकि उन्होंने पास्ट ईयर में भी AIR 1 निकाला है, ठीक है। उन्हीं टीचर्स ने AIR 1 निकलवाया है स्टूडेंट्स का, ठीक है। और वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको DPPs मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वहां पर टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली ये सारी चीजें आपको अवेल करवाई जाएंगी बैच में। बाकी आप स्क्रीन पर नंबर रोल इनरोल कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे, आप वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर एनर्जी सिस्टम टू लोअर एनर्जी सिस्टम। सी हाई कॉन्सेंट्रेशन से एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, या फिर जितना ज्यादा वाटर कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर हमेशा मूव करता है। मूव कैसे करता है स्टूडेंट्स? पैसिवली मूव करता है। नो यूज ऑफ एनर्जी हैपेंस हियर, एनर्जी का यूज नहीं होता है, पैसिवली मूव करता है। वाटर के केस में इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। वाटर के केस में इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। सच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस डाउन अ ग्रेडियंट of free energy is called diffusion. See, वही बात जो मैं बता रही हूँ। Water potential of pure water at standard temperatures, which is not under any pressure, is zero. See, मैंने कहा था ना, water potential of pure जो water का zero होता है। एक और बात याद रखनी है, atmospheric pressure में, कोई हमने अलग से ऊपर से प्रेशर नहीं डाला है, ये सारी चीजें हो रही है एटमोस्फेरिक प्रेशर में। किसमें हो रही है? एटमोस्फेरिक प्रेशर में हो रही है ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। ये रहा सोल्यूट पोटेंशियल का साइन। साई के पैर में एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूट पोटेंशियल बन जाएगा। सी
होगा क्या, ये आपका बीकर ए है, बीकर ए में प्योर वाटर है, बीकर ए में क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है, और इसका जो वाटर पोटेंशियल है बच्चा वो इस टाइम जीरो है, और इसका जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी इस टाइम जीरो है। वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों क्या है, जीरो है। हमने क्या किया, हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्यूट, हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड सॉल्यूट। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज हो सकता है या फिर सुक्रोज हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल हो सकता है जो कि सॉल्यूट की तरह एक्ट करने वाला है। होगा क्या, अब यही बीकर में वाटर के साथ साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए जिन मॉलिक्यूल्स का नाम है सॉल्यूट। ये रहे तुम्हारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। होगा क्या स्टूडेंट्स, उससे ये वाटर अब इम्प्योर हो जाएगा, ये वाटर अब इम्प्योर है, वाटर इम्प्योर है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, नेगेटिव में चला गया। ये डिक्रीजमेंट स्टूडेंट, ये जो जीरो से नेगेटिव की तरह वाटर पोटेंशियल गया है ना, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया पहले के कंपेरिजन में, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया पहले के कंपेरिजन में, तो ये जो डिक्रीजमेंट है ना जीरो से नेगेटिव की तरफ, इसी को स्टूडेंट सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। इसी को क्या कह रहे हो बच्चों, रिपीट विद मी, इसे क्या कह रहे हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। समझे कि नहीं समझे, तो जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट ऐड करते जाओगे वाटर पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा, ठीक है, उतना कम होता जाएगा, और उसी को सॉल्यूट पोटेंशियल कहते जाओगे। तो एक बात जो यहां पर याद रखनी है, सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट से, है ना। जितना ज्यादा तुम क्या डाल दोगे, सॉल्यूट डाल दोगे, वाटर पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है तुम्हारे। अब तुम ये लोग ये सोच रहे होगे कि मैम सॉल्यूट पोटेंशियल कैसे कम होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ाने से। वो ऐसे होगा स्टूडेंट्स की सपोज टू बी यहां पर तुम्हारा सॉलिड पोटेंशियल था जीरो, यहां पर सॉलिड पोटेंशियल हो गया माइनस टू। क्यों, सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये अगर माइनस टू हो गया तो मुझे बताओ जीरो ज्यादा बड़ा होता है कि माइनस टू ज्यादा बड़ा होता है, जीरो ज्यादा बड़ा होता है ना। तो सॉल्यूट डालने से बेसिकली सॉलिड पोटेंशियल भी तो कम हुआ ना, वो जो मैग्नीट्यूड में डिक्रीजमेंट है उसे भले ही सॉलिड पोटेंशियल कह रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली तो जो सॉलिड पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर गया ना। सो बेसिकली ये हुआ क्या, ये हुआ कि सॉल्यूट पोटेंशियल कम हो गया, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल भी नंबर ऑफ सॉल्यूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल्स के लिए ये तुम्हें स्टेटमेंट, ये तुम्हें रिलेशन याद रखना ही रखना है, बेवकूफ होगे अगर इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो, ठीक है। इसीलिए वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्योर वाटर, हमेशा जो वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर से लो रहता है, किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमने क्या डाला है, उसमें हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है। दिस मैग्नीट्यूड of lowering of water potential due to dissolution of a solute is called solute potential or osmotic potential. Delta psi s is always negative. जो तुम्हारा solute potential होता है, वो हमेशा negative होता है. The more the solute molecules, the lower or more negative is the psi s. यानी कि जितना ज़्यादा solute डालोगे, उतना ज़्यादा negative जो है solute potential होता रहेगा. For a solution at atmospheric pressure, again हमने atmospheric pressure की बात कर दी है, तो solution के लिए वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल याद रखेंगे स्टूडेंट्स ये रिलेशन भी, प्रेशर जो है, अगर प्रेशर पोटेंशियल जीरो है, यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने कोई भी अपनी तरफ से नहीं लगाया प्रेशर, तो उस टाइम पर तुम्हारा वाटर पोटेंशियल और तुम्हारा सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल इज गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है। आगे बात करते हैं, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब यहाँ पे ना बच्चा आपका प्रेशर पोटेंशियल का डेफिनेशन आने वाला है। किसका डेफिनेशन आने वाला है, प्रेशर पोटेंशियल का। प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल होता है, ये यहाँ पर प्योर वाटर है और ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब बेसिकली मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगाने वाली हूँ और पिस्टन पर मैं प्रेशर अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ तो बच्चा P नॉट है, P नॉट क्या हुआ, P नॉट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, तो इस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ना ये पानी दब जाएगा, पानी दबने की वजह से मोशन जो है बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल बढ़ने वाला है। तो ये जो इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल है, इसी को स्टूडेंट प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। So if a pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases. It is equivalent to pumping water from one place to another. When water enters a plant cell due to diffusion, it causes a pressure against the cell wall. It makes the cell turgid. This increases the pressure potential. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है स्टूडेंट आपने बैलून देखा है,
जब बेलून आप मार्केट से खरीद के लाते हो उसके अंदर पानी नहीं होता है ना, तो वो श्रिंक होता है, लेकिन जब उसमें पानी डाल दो तो वो फूल जाता है ना, वो फूल जाता है। तो बेसिकली बच्चा यही है, ये सपोज टू बी एक प्लांट पार्ट है जो कि श्रिंक्ड है, मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, ये पूरा स्वेल कर गया, ये पूरा क्या हो गया, स्वेल कर गया और ये टर्जिड हो गया। टर्जिड का मतलब स्टूडेंट, टर्जिड का मतलब एकदम टाइट, एकदम स्वेल्ड हो जाना। तो इस टाइम पर ये जो वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल इसकी वॉल पर कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, इस प्रेशर को स्टूडेंट्स तुम लोग टर्गर प्रेशर कहोगे। इसे क्या कहोगे, टर्गर प्रेशर, और इसी टर्गर प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। इसी टर्गर प्रेशर को क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। तो प्रेशर पोटेंशियल की मैंने आपको दो तरीके से समझा दिया कि प्रेशर पोटेंशियल होता क्या है। अब बच्चों, प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का एक रिलेशन होता है, इसे ये कहते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एनसीईआरटी में स्पेशली ये दिया हुआ है। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, दैट इज वाटर पोटेंशियल। ये क्या है, ये है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस तुम्हारा प्रेशर पोटेंशियल, तुम्हारा क्या, प्रेशर पोटेंशियल। तो न्यूमेरिकल में अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कि तुमको दो चीजें दी हुई है और तीसरी चीज निकालनी है, तो सो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल विच इज इक्वल टू योर, विच इज वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस योर प्रेशर पोटेंशियल। तो ये तीन चीजें बच्चा आपका, ये हमारा रिलेशन आ गया इन तीन चीजों का। उसके बाद बच्चों बात करते हैं आगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज द स्पॉन्टेनियस डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तुम्हारी डेफिनेशन है जो तुम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो। मतलब क्या है इसका स्टूडेंट्स, मतलब है इसका ऑस्मोसिस में हम लोगों ने करना कुछ नहीं है, ये एक तरीके की डिफ्यूजन ही है, ये एक तरीके की डिफ्यूजन है बस। ये डिफ्यूजन है वाटर की, ये डिफ्यूजन किस चीज की है, ये डिफ्यूजन एक्चुअली में तुम्हारे वाटर की डिफ्यूजन है। और ये होती कहां से है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है तुम्हारी वाटर की डिफ्यूजन। तो इसको तुम लोग ऑस्मोसिस कह देते हो, है ना। जैसे कि ये तुम्हारा सेल है और ये सेल के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर तुम्हारा वाटर पोटेंशियल जो है वो 5 है और यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कितना है, 7 है। यानी कि ज्यादा वाटर कहाँ है, ज्यादा वाटर तुम्हारा यहाँ है इस वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में। तो अब तुम्हारा वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, बी टू ए, वाटर का मूवमेंट होगा बी टू ए, तो इसको ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। एक प्लांट सेल के अंदर बच्चा एक बीच में वैक्यूल होता है और वैक्यूल साइड में प्रोटोप्लाज्म होता है, पता है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, इसको तुम टोनोप्लास्ट कहते हो। तो बेसिकली ये सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर क्या, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल। तो जो तुम्हारा सेल वॉल है, सेल वॉल किसी भी चीज की ट्रांसफर में कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल होता है डेड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा चीज अंदर आ रही है चीज बाहर जा रही है। लेकिन सेल वॉल तुम्हारी, उसके अंदर होता है सेल प्लाज्मा, सेल प्लाज्मा और टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की मेम्ब्रेन दैट इज टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन। ये दो चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होती हैं ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ अ प्लांट सेल। बट सेल वॉल इज नॉट अ बैरियर टू मूवमेंट एज इट इज परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन, इट इज परमिएबल टू एवरीथिंग, हर एक सोल्यूट का और वाटर को ये क्या होता है, ये परमिएबल होता है। लेकिन जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन होता है और जो वैक्यूल होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है वैक्यूल की, दैट इज टोनोप्लास्ट, वो बच्चे डिसाइड करती है कौन सी चीज अंदर आने वाली है कौन सी नहीं। वैक्यूल सैप इन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कंट्रीब्यूट्स टू सॉलिड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो तुम्हारा सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल है, ये बाहर सेल वॉल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बीच में टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट किसकी वॉल है, वैक्यूल की। इसके अंदर जो चीज प्रेजेंट है इसको सैप कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, सैप कह रहे हैं, है ना, या फिर वैक्यूल सैप कह रहे हैं। तो ये जो वैक्यूल सैप है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर सारा का सारा सॉल्यूट भरा पड़ा है ना। तो इसीलिए ये डिसाइड करता है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल, जितना ज्यादा यहाँ पे सॉल्यूट होगा उतना कम सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, या फिर उतना ज्यादा नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रहा ऑस्मोसिस। अब स्टूडेंट्स यहां से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में नेक्स्ट फर्दर डिस्कशन करेंगे, और इसमें हम लोगों की आगे के जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं ये उसमें रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो
प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर द वीडियो विद योर फेलो फ्रेंड्स, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका जो अगला वाला पार्ट है ना वो आपको बिना किसी मिसिंग के मिल जाए और आपकी तैयारी बीच में रुके ना. सो लाइक सब्सक्राइब, एंड कोई डाउट है तो यू कैन कॉमेंट फ्रीली. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट.